हमारे यहाँ पे सब संभालते हैं, कृषि व्यवस्था सब यही संभालते हैं, सारी फसलों का अच्छे से पालन करते हैं। हमारे फसल पालन करता गुरु डब्लू भैया, इनसे ही मिलिए, यही आपको सारा विवरण देंगे अच्छे से सारी फसल का कैसे होता है। जैसे हम आइए आपको दिखा देते हैं, और देखिए जैसे हमने आलू लगा दिया है, और ये अपना मटर का फसल है, और आगे देखिए वो प्याज का बिया डाले हुए हैं, इधर लहसुन लगा दिए जो बंधा है, उस पर अपना गोभी लगा दिए हैं, और ये सिर्फ जैविक खाद से उत्पाद इसका हो रहा है, और इसमें यूरिया डाई का कोई छिड़काव नहीं होता, और नहीं कोई रासायनिक और चीज़ का छिड़काव सिर्फ, और हम बनाते हैं अपना जो है कि और वही का छिड़काव करते हैं। जैसे कि इधर आप देख रहे हैं, ये 4 साल पुराना पौधा है हमारा जो आम का है, और बीच में हम इसमें कोहड़ा लगा दिए हैं, जो नाली आप देख रहे हैं, और देखिए इसमें एक भी कीड़ा उड़ा नहीं लग रहा है, और इस पर वर्मी वास का छिड़काव करते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं, जिसको आप केंचुए का पसीना कह सकते हैं, और हम अभी आपको दिखाएंगे जहाँ की वर्मी वास हम बनाते हैं, और आप देख लीजिए ये पौधा बहुत ही अच्छा और बहुत सुखी है। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर से हम पपीता भी लगा दिए हैं खेत के किनारे पे, ये पपीता भी अपना उगता रहेगा, वो ये भी अपना वर्मी कंपोस्ट से ही हो रहा है, देख लीजिए लगा दिए हैं। और उधर हम मशरूम का खेती करते हैं, जो कि रूम आप देख रहे हैं, आइए आपको दिखा दे रहे हैं। और इधर साइड में हम गेंदा का फूल लगा दिए हैं, गेंदे के फूल से ये हमें लाभ होता है कि कीड़ा हमारे पौधे पे जो ये मटर है और अपना ये पपीता है उस पर कम लगते हैं। बीच बीच में तुलसी भी लगवा दिए हैं, देख रहे हैं आप, ये हमने छोटा सा शुरुआत किया है।